हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू चैनल गेट अप गैजेट। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप हर्षद मेहता के ऊपर बेस्ड मूवी 10/1992 को कैसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हर्षद मेहता के पास कितनी कार्ड थी, उसकी फुल डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर्षद मेहता के पास टोटल 28 कार्स थी, जिसमें से 7 कार थी जो अल्ट्रा लग्जरी कार थी। इसके बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बाकी जो 21 कार थी दोस्तों, वो ज़्यादा पॉपुलर कार्स नहीं थी, वो इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास थी, इसलिए मैं इन 7 कार्स के बारे में बताने वाला हूं। तो उनमें से पहला कार है, वो है लेक्सस LS 400, जिसकी कीमत उस समय 260 लाख से 55 लाख के आसपास थी। और इसकी जो टॉप स्पीड थी दोस्तों, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी। और आपको बता दूँ, एक इंटरेस्टिंग फीचर इस कार के बारे में ये थे कि ये 100 किलोमीटर की रफ्तार दोस्तों 10 सेकंड के अंदर कवर कर लेती थी। जो नेक्स्ट कार है दोस्तों, उसका नाम है कॉन्टेक्स्टा क्लासिक। इसमें दोस्तों जो आज की जो कीमत बता दूँ आपको, ये 45 से 40 लाख के आसपास थी उस टाइम पे। और इसमें दोस्तों 1.75 लीटर का डीजल इंजन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो इसका इंजन था वो 65 हॉर्स पावर की मतलब बिजली जनरेट कर सकता था। और आप इससे गैस लगा सकते हैं कि वो कितनी स्पीड कार भगती होगी। और दोस्तों, जो नेक्स्ट कार है उसका नाम है मारुति ऑल्टो 800। दोस्तों, इस कार की खास बात ये थी कि ये एक तो इंडियन कार थी, और सेकेंडली इसमें जो टॉप स्पीड थी वो 200 किलोमीटर दी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों, ये 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड में कंप्लीट कर लेती थी। और इसकी जो प्राइस थी दोस्तों, वो 10 लाख से 12 लाख थी उस समय पर। दोस्तों, जो नेक्स्ट कार थी वो मर्सिडीज़ की थी। हर्षद मेहता के पास मर्सिडीज़ की 2 कारें थी, जिनमें शामिल था मर्सिडीज़ DR 300 CE। इसकी प्राइस थी दोस्तों 50 लाख से 45 लाख, और इसमें 1800 CC का इंजन था। जो नेक्स्ट मर्सिडीज़ की कार थी, वो नाम था मर्सिडीज़ 400 DR 300 SEL Sedan। इसकी जो कीमत थी दोस्तों, वो 60 लाख से 65 लाख के आसपास थी। और इसके पास जो इसमें इंजन लगा था, वो 200 CC का इंजन था। और आप पता है, मर्सिडीज़ ज़्यादा एवरेज देती नहीं है, लेकिन इसमें जो कंफर्ट होता है वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए हर्षद मेहता ये कार को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। वहीं दोस्तों, जो नेक्स्ट कार थी वो थी इंडियन एम्बेसडर। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना दोस्तों, इंडियन एम्बेसडर। ये जो कार थी दोस्तों, ये सभी मतलब पॉलिटिशियंस होते थे उनके पास होती थी। जनरली आप देख सकते होंगे, ये कार जो पॉलिटिशियंस होते थे उनके पास होती थी। और बेसिकली इसकी जो प्राइस थी दोस्तों, वो 11 लाख रुपए के आसपास थी। और इसमें जो स्पेसिफिकेशन था वो ये था कि इसमें दोस्तों, आप जो डीजल इंजन था उसमें आप 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल भर सकते थे। साथ ही साथ इसमें 1100 CC का इंजन था। वहीं दोस्तों, जो लास्ट कार थी वो थी फेक पद्मनी। दोस्तों, ये कार आपको इजली मुंबई की स्ट्रीट्स में दिख जाएंगे, टैक्सी के रूप में यूज़ की जाते हैं। दोस्तों, इस कार को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि हर्षद मेहता की फर्स्ट एंड फाइनल कार थी, जो कि फर्स्ट कार जो हर्षद मेहता ने खरीदी थी अपने पैसे से, वो नाम थी इसकी जो यही कार थी। इसकी कीमत थी दोस्तों 6 लाख से 8 लाख। और एंड हर्षद मेहता ने अपनी जर्नी भी इसी कार से शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।